दोस्तों, क्या आपको भी WhatsApp स्टेटस के अंदर साउंड की या साउंड वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे आप कैसे सही कर सकते हैं? जैसे कि मैं अपने WhatsApp स्टेटस पे इस तरीके अपने WhatsApp को ओपन करता हूँ, स्टेटस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई भी वीडियो है, ठीक है, कोई भी स्टेटस है, जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे साउंड सुनाई नहीं देती है। और साउंड सुनाई कब देती है? जब मैं अपना वॉल्यूम बटन दबाता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ तब, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसे आप कैसे सही कर सकते हैं? वॉल्यूम बटन दबाने के बाद ही आपको व्हाट्सएप स्टेटस की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसे आप कैसे सही कर सकते हैं किसी भी स्मार्टफोन के अंदर? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपके व्हाट्सएप के अंदर जब आप जाते होंगे, स्टेटस पे क्लिक करते होंगे, आप कोई भी स्टेटस आप देखते होंगे, तो वॉल्यूम बटन आप जब प्रेस करते हैं तभी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो आपको इसे कैसे सही करना है? देखो, सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में चले आइए। मोबाइल की सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे तो ऊपर एक सर्च बार होता है, वहाँ पर आपको लिखना है डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। अगर आप डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आपका ये ऑन है, इस तरीके से ऑन है, तो इसे कर दीजिए यहाँ से बंद, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे आप जब स्टेटस को सुनेंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी प्ले करूँ और यहाँ पे प्ले होता ही देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों, आप भी इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने प्ले स्टोर पर जाके अपने व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए, और फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो अपने फ़ोन को एक बार पावर वाले बटन को दबा के फ़ोन को रीबूट या फिर रीस्टार्ट कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय हिंद।